ऐसे तो रायते बहुत तरीकों से बनाए जाते हैं, पर आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल रायते, जो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट बिरयानी के साथ कभी हम खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ वो जो रायते सर्व करते हैं, वैसे ही रायते की रेसिपी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये ज़बरदस्त रायते से आप इंजॉय कर सकते हैं स्पेशल बिरयानी, क्योंकि बिरयानी अधूरी है रायते के बगैर। तो आज आप चाहे बिरयानी के साथ खाएं या पुलाव के साथ खाएं या पराठों या चावल पूड़ी के साथ, ये रायते परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले बनाएंगे पुदीना चटनी रायता, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ रेडू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड, जब हम होटल में खाना ऑर्डर करते हैं तो हल्के ग्रीन कलर का जो रायता वो लोग सर्व करते हैं, ये वही रायता है जो खाते ही तरोताजगी का और बिल्कुल खाने में फ्रेशनेस आ जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे, ये लहसुन लिया हमने, दो हरी मिर्च लिया है, थोड़ी सी पुदीना और थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इन सबको हम डालकर अच्छे से पीसने वाले हैं। पर उससे पहले हम डाल देंगे इसमें काला नमक स्वाद अनुसार। आप चाहें तो सादा नमक भी इसमें डाल सकते हैं, पर काले नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और इसमें डाल देंगे हम दही, ये हमने आधा कप लिया है दही, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध, डालेंगे 2 से 3 चम्मच के बराबर थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाए और देखने में इसका लुक बहुत अच्छा है। ये देखिए, हमने इसे बारीक कर लिया है, अच्छे से मिक्सर मिक्स कर दिया, और ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का तैयार हुआ है ये रायता। फ्रेंड्स, इस रायते को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हम दूसरा रायता बना रहे हैं, उसके लिए हमने लिया है आधा कप दही, और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, भुना हुआ जीरा कैसे तैयार करना है मैं लास्ट में बता दूंगी। और इसमें डाल दिया काला नमक, और इन सबको अच्छे से कर लेंगे बिल्कुल मिक्स। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है जो घर पे आपको मिल जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और 1 चम्मच डाल देंगे टमाटर, और इन सब डालकर अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से इसमें मिर्ची डाल लीजिए, और हो गया आपका रायता तैयार। फ्रेंड्स, ये पुदीने वाला जो रायता हो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त रायता है। आप इसे ज़रूर घर पे बनाइए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये रायते की रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, ये दूसरा जो रेगुलर जो हम बनाते हैं घर पे रायता, वो रायता है, और दोनों का स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त है। आप हर खाने के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं और अपने खाने का स्वाद बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पे करके क्लिक कर दीजिए ऐसे इजी यूनिक और हेल्दी कुकिंग देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल यम्मी और क्रीमी टेक्सचर का ज़बरदस्त रायता, जो हम होटल पे जाकर अक्सर अपने खाने के साथ इंजॉय करते हैं, ये वही रायता है। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लास्ट में जीरा पाउडर कैसे बनाना है इसकी रेसिपी भी शेयर की है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम जीरा पाउडर कैसे बनाना है, भुना हुआ जीरा पाउडर जो हम रायते में ज़रूर डालते हैं, और बिना भुना हुए जीरा पाउडर के रायता अच्छा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए अब मैंने गर्मा गर्म पराठों के साथ सर्व किया है, और आप भी ऐसे बनाइए और गर्मा गर्म खानों के साथ इसे इंजॉय कीजिए दोनों रायतों को। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त रायता ये बनकर तैयार हुआ है। मेरे घर में ये रायता बहुत पसंद किया जाता है और मैं अक्सर इसे अपने घर में बनाती हूँ। सो ऐसी इजी, यूनिक और हेल्दी कुकिंग के लिए देखते रहिए गोकुल किचन। जीरा पाउडर बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर लिया है, उस पर रख दिया है तवा और डाल दिया है जीरा, और जीरे को अच्छे से भून लेना है, थोड़ा काला होने तक हम इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भी जला नहीं देना है इसे। और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे उतार कर ठंडा होने के बाद, और बिल्कुल तैयार हो जाता है बहुत ही ज़बरदस्त आपका जीरा पाउडर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।